हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये वाला डिज़ाइन बताने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये जो हमारा बीच में ये डिज़ाइन वाला पोर्शन है, एक ही फंदे से तैयार होता है। ये एक ही फंदे से हम तैयार करेंगे इसको। और देखिए, मैंने इसमें साइड में यहाँ पर तीन फंदे रखे हैं और यहाँ पर भी तीन फंदे रखे हैं। बीच में मैंने दो दो फंदे रखे हुए हैं। आप चाहें तो इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर 19 फंदे डाले हैं इसमें। ये 19 फंदों पर मैंने ऐसी बेसिक रो बना ली है, जिसे आप बॉर्डर भी कह सकते हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन का पहली जो सिलाई है हमारी, उसे निकालने स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, जिस तरह से हम बनाएंगे वो हमें सिर्फ पहली बार ही बनाना है। वो हमारी बेसिक रो होगी। उसके बाद जब हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें उसकी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम एक फंदे को स्लिप कर लेते हैं, धागा आगे करेंगे। ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, टोटल तीन फंदे हो जाएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग में जो हमने रखे हैं वो हो जाएंगे। फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये देखिए। उसके बाद हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसमें हमारे लास्ट में तीन फंदे बने हैं, बचे हैं, तो हम इनको तीनों को उल्टा बना लेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड रो पर। इसमें हमें देखिए, उधर से जो हमने फंदे उल्टे बनाए हैं वो इधर से सीधे हो जाएंगे, तो हम इधर उनको सीधा बना लेंगे। ये तीन फंदे हमारे सीधे हैं स्टार्टिंग में, इधर से जो उधर से हमने उल्टे बनाए, और ये फंदा जो हमने एक सीधा बनाया है वो इधर से उल्टा है, उसको बना लेंगे। तो जो उल्टा है उसको उल्टा और जो सीधा है उसको सीधा, इस तरह से बना के ये रो हम कंप्लीट करेंगे। जो फंदा सीधा हमारा है दिख रहा है उसको सीधा ही बनाएंगे, जो हमने उधर से दो उल्टे बनाए हैं। बाकी हमारे उल्टे सीधे इस तरह से हम देख के बना लेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो पे आ जाते हैं। ये थर्ड रो है हमारी। देखिए, थर्ड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, दो फंदे हम उल्टे हैं जो हमारे उनको बुन लेंगे। अब देखिए, ये हमारा सीधा फंदा आ गया। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, इसके पास में जो ये चीज़ है, ये धागा देख रहे हैं, इसको उठा लेंगे इस तरह से और इसको हमें बुन लेना है सीधा। इसको हम सीधा फंदा बना लेंगे और इसके आगे जो हमने सीधा फंदा बनाया उसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर से वही करना है। ये जो हमारा धागा है इसके सीधे फंदे के पास में, इसको उठाएंगे और इसको सीधा फंदा बनाएंगे और सीधा फंदा जो है उसको स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। सीधे फंदे से पहले जो धागा दिख रहा है हमें उसको हम उठाएंगे और उसको सीधा बनाएंगे। उसको सीधा बनाने के बाद में सीधे फंदे को स्लिप कर लेना है, फिर से दो फंदे उल्टे बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये थर्ड रो अपनी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको बना के सीधे फंदे को स्लिप कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर फिर से सीधा फंदा है। तो जितना हमारा ये सीधा फंदा हमने बनाया, उससे पहले हम इसको इस तरह से बना के ये धागा, ये सीधा फंदा स्लिप कर लेंगे। तीन फंदे बचे हैं, इनको हम बुन लेंगे उल्टा। अभी फोर्थ रो है हमारी, जो कि हमारी उल्टी तरफ है, रॉन्ग साइड। ये सीधे फंदे जो हमें दिख रहे हैं वो सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए, दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बना लेंगे, तीन फंदे जो हमारे स्टार्टिंग में हैं। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे और जो हमने फंदा एक नया बनाया है और एक स्लिप किया था, ये इन दोनों का हम एक बना देंगे। ठीक है, धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदे हैं सीधे बनाएंगे और जो फंदा हमने ये स्लिप किया हुआ है और एक बनाया है नया, इन दोनों को हम
दो का एक बनाएंगे। ये दो फंदे सीधे बनाएंगे और फिर दो का एक बनाएंगे। इसी तरह से ये रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये चार सिलाइयाँ हमारी बनके कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमने एक फंदे के पास में बनाया है इस तरह, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है पांचवी सिलाई में। बाकी हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी चार सिलाई बनी है लेकिन अभी भी डिज़ाइन पूरा नहीं हुआ है। अभी देखिए ये हम यहाँ पर पांचवी सिलाई को स्टार्ट करते हैं। ये हमने उल्टे फंदे बनाए। अब जो हमने पहले क्या किया था, नीचे से यहाँ से उठाया था, अब हमें ये नहीं करना है। अब देखिए ये जो दो फंदे का एक बनाया है, दो का एक हमने बनाया है, जो इसका जो ये दूसरा फंदा है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ये जो दूसरा फंदा है इसको हमें उठाना है और अब हम इसी को स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट तक हम यही बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। पहले हमने बीच में से उठा लिया था, अब हमें ये नहीं करना है। अब हमें यहाँ से ये इसके साथ वाला जो दो का एक बनाया है उनमें से जो दूसरा फंदा है उसको उठाना है और उसको बुन देना है और आगे वाले को स्लिप कर देना है। दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से दिखने लगा है। यही फंदा हमें इस पर उठाते जाना है, बुनते जाना है और इसको ये वाला स्लिप करते जाना है। दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारा डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम इस तरह से ही बनाते जाएंगे आगे, हमें कोई चेंज नहीं करना है। पांचवी सिलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छे से दिखना भी। ये देखिए यहाँ से ये उठाया, इसको यहाँ पर रखा। फर्स्ट में जो हमारी बेसिक रो थी उसमें मैंने बीच में से उठाया था, लेकिन अब जो हम दो का एक बनाते जाएंगे उसी में से हमें एक फंदा उठा के बुनना है। ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई है जो कि छठी सिलाई है। तो हम छठी रो में इसको क्या करेंगे, वैसे ही बुनना है जैसे हमने अभी पहले बुना था फोर्थ रो में। ये देखिए तीन फंदे हमने ऐसे उल्टे और ये जो दो हैं इनको एक बना देंगे और इधर से दोनों सीधे। अच्छे से दिखने लगा है। अभी देखिए ये देखो ये दो का एक बनाना है और ये दोनों सीधे फंदे हैं जो कि हमारी उल्टी तरफ से हैं, उल्टी सिलाई में। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमें सेम इसी तरह से बनाते जाना है। तो ये देखिए दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी एक और बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए तीन फंदे हमने शुरू में उल्टे बनाए और ये है यहाँ पर जो दूसरा फंदा है इसको आपको उठाना है, अच्छे से दिख रहा होगा, इसको उठाना है और इसको बुन लेना है। इसको बुनने के बाद ये आगे वाला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। दो फंदे उल्टे बनाए उसके बाद फिर से ये वाला फंदा उठा लेंगे और इसको बुन लेंगे, आगे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे। अब देखिए बनने के बाद ही कुछ इस तरह से तैयार होगा फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।